Hey, how's it going, everyone? My name is Madhip और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे हिमलैंड्स के वर्ल्ड में। So guys, last episode में फाइनली हम लोगों ने विजर्ड के राज के ऊपर से पर्दा उठा दिया था एंड हम लोगों को पता चला था कि विजर्ड जो हमारा है ना उसकी एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है जो कि है वाटर। और गाइस ये कमजोरी ना बहुत ही ज्यादा अजीब है, उसको हर 2-3 मिनट के अंदर पानी के अंदर स्टेप करना पड़ता है। और इस चीज का सबूत मेरे को ना लास्ट वीडियो के बिल्कुल एंडिंग पर चला था पता, जब विजर्ड एसजीओ के साथ बात कर रहा था एंड लिटरली कन्वर्सेशन के बीच में वो बंदा पानी के बीच छलांग मारने के लिए चला गया। अब तुम मुझे बताओ कि जब वो एसजीओ के साथ डायरेक्ट बात कर रहा है तो वो बंदा पानी के बीच क्यों जाएगा। और ये चीज मुझे पता चली थी उस प्रिजनर से पिछले एपिसोड में, जिस बंदे को विजर्ड ने ट्राइपोर्टल के अंदर उस फ्लोटिंग आइलैंड के अंदर प्रिजनर बना के रखा हुआ है। बहुत ही सीक्रेट प्रिजन है एंड बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद गाइस लास्ट एपिसोड में वहां पर पहुंचा था। एंड ये चीज एग्जैक्टली मेरे को उस बंदे ने भी कंफर्म करके दी थी, जो वो दाढ़ी वाला बंदा है ना जिसकी डिजीज हम लोगों ने ठीक करी थी, स्किन डिजीज। वो बंदा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, पता नहीं क्यों बट मेरे को उस बंदे पे ट्रस्ट है। वो बंदा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, जब लास्ट एपिसोड में उसे बातें कर रहा था ना बहुत ज्यादा, तो भाई उस बंदे की बातों से सुनकर ही मेरे को ऐसा फील हुआ कि मतलब ये बंदा एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ज्ञानी बाबा है। मेरे को बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है उस बंदे पर, क्या बच्चे वाली हरकतें कर रहा है भाई तू। ये है भाई बंदा है जो मेरी मदद करेगा हीरोइन को मारने के लिए, बच्चे की तरह घूम रहा होता है रे परे। और हाँ, मैंने तो लास्ट एपिसोड में बोला था ना वो आर्मर वगैरह लाने के लिए लाया तूने, गाइस लिटरली लास्ट एपिसोड में हम लोग उस फ्लोटिंग आइलैंड पे गए थे ना, तो मेरा सारा का सारा जो आर्मर वगैरह था वो चला गया था। पता नहीं किस तरीके से विजर्ड ने उसको डिजाइन किया था बट मेरा पूरा का पूरा आर्मर गायब हो गया था मेरे इन्वेंटरी से। एंड बहुत ही तगड़े वाला एडवेंचर हुआ था लास्ट एपिसोड में हमारा। एंड अभी देखो मेरे पास पूरा का पूरा तगड़े वाला आर्मर आ चुका है, एक तलवार आ चुकी है एंड दैट्स इट। इसके अलावा फिलहाल को मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इसके रिगार्डिंग गाइस मेरी कुछ थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि अगर हमारा विजर्ड पानी के बीच नहीं जाए ना तो उसकी जो पावर है, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है गाइस कि जो हमारा विजर्ड है ना वो बंदा लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला पावरफुल बंदा है ना। और वो बंदा बहुत ज्यादा, अरे क्या हो गया इसको, ओए हेलो, अरे भाई थ्योरी सुना रहा लोगों को, क्या हो गया तेरे को, अरे भाग गया ये बंदा, कहाँ जा रहा है भाई, अरे ये बंदा भाग गया। अरे मेरे भाई तेरे को और मेरे को भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे जाना है, तेरे को पता है आज की वीडियो कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, आज हम लोग विजर्ड को एक्सपोज करने के लिए जा रहे हैं मेरे भाई। ओके गाइस मैं इसको फटाफट ढूंढता हूँ, तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो का लाइक 3 लाख लाइक जरूर कंप्लीट करना इस बार भी, पिछली बार तुम लोगों ने किया था कंप्लीट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। एंड भोगा लाला के कलोन भैया कहाँ चला गया ये बंदा, अरे भागा क्यों, पहली बार भागा भाई ये बंदा डर के मारे है ना, सीरियसली मेरे को ऐसा फील हो कि डरा ही किसी से। यो हेलो, अरे बंदा गायब भी हो गया, इतना भी क्या डर गया ये बंदा, आ गया, अरे कहाँ चला गया था भाई तू, क्या कर रहा है यार होगलू यार, मैं यहाँ पे लोगों को अपनी थ्योरी सुनाने की कोशिश कर रहा था, अब मेरे को खाना खुना है तेरे पास तो भाई पकड़ा दे यार मेरे को, मेरी भी यहाँ पे हंगर बार जा रही, कुछ नहीं है मेरे पास इस वक्त, मैं लिटरली कोई भी किसी भी टाइप का मेरे पास ये भी नहीं है क्या बोलते कोई भी रिसोर्स वगैरह। अच्छा ठीक है गाइस, मैं तुम लोगों ने अपनी थ्योरी सुना रहा था इससे पहले, तो गाइस जो मेरी पहली थ्योरी है ना उस थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद विजर्ड की जो तगड़े वाली पावर है, जो पीवीपी की पावर है, जो उसकी पार्कोर स्किल्स है, जो उसकी यू नो बिग ब्रेन स्ट्रेटेजीज वो बंदा बनाता है, वो बंदा हवा में उड़ता है, हम लोगों को लाइक नॉर्मल एरो से चलाता है तब भी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कर रहा होता है, वो बंदे की जो पावर्स है हो सकता है पानी के बीच ना जाने की वजह से वो बार बार कम होती हो। एंड जब जब वो बंदा पानी के बीच जाएगा, और ये क्या कर रहा है ये पिगी यार, तू मेरे को यहाँ पे तंग कर रहा है, रुक जा रुक रुक, इसको मार यार, नहीं मत मार, रहने दे, क्यों बेचारे पे हम लोग जुल्म करें। हाँ तो मैं बोल रहा था गाइस कि हो सकता है कि जब वो पानी के बीच नहीं जाता है तो उसकी जितने भी पावर्स है ना ये धीरे धीरे करके फेड हो रही होती है, दिस मीन्स जब तक वो पानी के बीच नहीं जाएगा उसकी ये पावर खत्म होती रहेगी। एंड अगर मेरी ये वाली थ्योरी गाइस एकदम सही है तो उसको हम लोग एक ऐसी जगह पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे पानी नहीं होगा, एंड जब पानी नहीं होगा तो उसको हम लोग पीवीपी में हरा देंगे और जान से मार देंगे। भाई साहब सोचो अगर ऐसा हो गया तो ये कितना ज्यादा एपिक होगा, है कि नहीं है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो ये मेरी थ्योरी है ये गलत हो सकती है, एंड अगर हम लोग इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जाए एंड यू नो वो पीवीपी में नॉर्मल रहेगा बिना पानी के बीच गए तो वो हमको पेल भी सकता है। तो इसके ऊपर गाइस मेरे को और होगा लाला को अभी उसी वक्त काम करना है, बट उस सबसे पहले मैं होगा लाला भाई तुझसे पूछना चाहता हूँ, भाई तू भागा क्यों इससे पहले, मुझे अभी उसी वक्त बता कि क्या सीन हुआ तेरे साथ, मैं ऐसा कहता हूं मैं फटाफट से बात करके आता हूं। ओ माय गॉड, या तो ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ है या तो फिर एक नंबर का बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है। अब तुम लोगों को पता है कि ये बंदा एंटिटी है तो इस बंदे को ना एक हंच हुआ, हंच का मतलब होता है एक फीलिंग आती है ना कई बार अंदर से कि हमें कोई देख रहा है, तो इसने मेरे को बताया कि भाई मुझे ऐसी फीलिंग आई कि इसको कोई देख रहा था एंड ये बंदा डर के मारे भाग गया। यार छोटी बच्ची क्या तू है, डर के मारे भाग रहा है, कोई देख रहा है इसको रात के टाइम में, सुबह हो रही दिन दिहाड़े डर के मारे भाग रहा है। अब ऐसे करते हैं मेरे को तेरे को बहुत, अबे तू ऐसे स्नीक करके मत चल भाई, डर लग रहा है मेरे को यार तुझसे, यार तू मुझे उल्टा डरा रहा है यार। मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ ये बंदा बहुत ही ज्यादा लॉयल बंदा है, कुछ भी हो जाए मैं किसी भी मुसीबत में हूँ ना ये अपनी जान की बाजी लगा देगा,
खुद मर जाएगा लेकिन मुझे बचा के रहेगा, ये इतना ज्यादा लॉयल बंदा है। तो अभी मेरे को और तेरे को जाना है उस बंदे को ढूंढने के लिए, वो जो पोर्टल में जिसको हम लोगों ने ठीक किया था ना, वो इंटेलिजेंट बंदा दाढ़ी वाला, उस बंदे को ढूंढने के लिए जाना है। बिकॉज गाइस उस बंदे से मैं पूछना चाहता हूँ एक बारी इस चीज के रिगार्डिंग कि पानी का क्या राज है, क्या उसको कुछ पता है कि नहीं पता है। बिकॉज इस वक्त वही इकलौता बंदा है जो कि मुझे फील होता है कि इतना ज्ञानी हो सकता है जिसके पास इस चीज से रिलेटेड नॉलेज होगी। अभी हम लोग ना उसको ढूंढने के लिए जाना है सबसे पहले, तो अब मेरे को नो आइडिया कि वो बंदा मुझे कहां पर मिल सकता है। सबसे पहले गाइस हम लोग ऐसा करते हैं उस शिप के पास चलते हैं, वो जो हमारी फ्लोटिंग शिप है, एंड देन वहां से गाइस देखते हैं कि आगे हम लोग कौन सी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और गाइस हम लोग यहां पर तो पहुंच चुके हैं अपनी शिप के पास, एंड अभी मैंने होगा के कलोन से बात करी। देखो जिस डायरेक्शन में बंदा जा रहा है ना आगे के लिए, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसने मेरे को बोला कि इसने उस बंदे को जाते हुए देखा था, वो जो हमारा इंटेलिजेंट वाला बंदा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी डायरेक्शन में जाके उसको ढूंढने वाले हैं। अब फिलहाल को देखो कि यहाँ पे दो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ पर भी कि हो सकता है वो इस डायरेक्शन मिल जाए, हो सकता है ना मिले। एंड अगर वो बंदा हमें नहीं मिलता है सपोज करो, तो फिर एक दिक्कत ये हो जाएगी कि हम लोग इस चीज के बारे में कैसे पता लगाए। बिकॉज मैं डायरेक्ट जाके अभी यहाँ पे विजिटर से फाइट नहीं ले सकता हूँ कि मतलब हाँ भी मेरी थ्योरी बोलती है कि हो सकता है पानी के बीच में ना जाए तो फिर उसकी पावर्स कम हो जाएगी, बट अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बंदा मुझे लिटरली पेल देगा भाई बुरे तरीके से। उससे बचने के लिए तो मेरे को प्रोटेक्शन 100 वाला आर्मर लेकर आना पड़ेगा, एंड उसकी लोकेशन भी मुझे एक्चुअली पता है कि प्रोटेक्शन 100 तक के आर्मर हमको कहां मिल सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ी गाइस तो मैं वहां पर भी चला जाऊंगा उस पर्टिकुलर आर्मर को लाने के लिए, बट फिलहाल के लिए हम लोग जाने वाले इस बंदे को ढूंढने के लिए। एंड लेट्स सी कि वो बंदा का जानता होगा इस चीज के बारे में। अगर वो बंदा कंफर्म कर देगा ना गाइस, तो फिर मैं विजिट के लिए एक ऐसा ट्रैप बनाऊंगा, एक ऐसी जगह पे इतना खतरनाक वाला कि वो बंदा भाई साहब परेशान हो जाएगा, उसको मैं कोई चांस नहीं देने वाला हूँ। एंड उसके बाद मैं उसको वैसे ही मारूंगा भाई, बिना पाने के भी जाले तड़पा के पेलने वाला उसको मैं, तड़पा तड़पा के। बिकॉज एक चीज तो मैंने लास्ट एपिसोड में 100% देख ली थी कि वो बंदा बहुत ज्यादा डेस्परेट है पानी के भी जाने के लिए। यार कितना फनी लगा वाला सीन जब वो विजर्ड से एसडीओ से बातें कर रहा था, एकदम से पानी के बीच भाग गया, बहुत ही ज्यादा वियर्ड था वो। अरे भाई बाकी सब कुछ ठीक है होगा लाला, तुम्हें को एक बात बता, इससे पहले तू डरा क्यों था, क्या सीन हुआ था भाई, मुझे जानना है बेटा। ऐसा है देख, तू मेरा इकलौता उम्मीद है जो मेरे को यहाँ पे जिंदा रख सकता है, तू मुझे यहाँ पे जिंदा रख सकता है, तू ही है वो बंदा, और तू ही मतलब इतने बुरे तरीके से डर रहा है यार मेरे को। व्हाट, ओए रुक जा सारा के बच्चा, एक और बार आवाज आई मेरे को वहां पे। सुन एक काम कर, मेरे को वो देख पर्ल दे मेरे को, अगर तेरे पास पड़ी है, मेरे पास तो नहीं है, और मेरे को वो हाँ 4 या 5 जितनी भी दे सकता है, और मेरे को पानी की बकेट चाहिए भाई अगर तेरे पास होगी तो। अबे मच्छी दे रहा है पानी के बीच, चल कोई बात नहीं इसको हटा। पफर फिश का मुझे यहाँ पे इसने, तू मेरे को मरवाने की कोशिश कर रहा है जल्दी। अरे एक और बार फटा ऊपर, व्हाट द हेक, वहां पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और सुन थोड़ा ध्यान दे, तू ज़रा एक्साइटमेंट के मारे उछल उछल के आगे मत पहुंच जाए, ठीक है ना, हम लोग को थोड़ा सा, तू तो खास करके पीछे रही हो, तेरे को बिल्कुल भी एसजे वगैरह के सामने आना नहीं है। अगर यहाँ ऊपर एसजे वगैरह हुए भाई, बहुत ही गंदे वाले धमाके की आवाजें आ रही है, बहुत ही ज्यादा, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। ओह रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बिल्कुल मुंह के सामने फट रहा है, मुंह के सामने अभी दो धमाके हुए यहाँ पे। आराम आराम से चल, ये को पता लगाना पड़ेगा भाई क्या है ये, क्या चल रही है, 5 से 6 धमाके हो चुके हैं भाई साहब। यहाँ कहीं से बेको वाली फटने की आवाज आई थी इधर ही, ओह माय गॉड, अरे हमारा बंदा खतरे में है। सुनो मैं इसको, सुनो आपका काम है इस बंदे को बचाना, और मेरा काम है हीरो फ्रेंड को यहाँ पे चकमा देना, इसकी भैंस की आंख, हीरो फ्रेंड जल्दी जल्दी बचाओ उसको, होगा लाला उसको बचाओ। हाँ अरे कौन सा है ये हीरो फ्रेंड है, मां की कसम मेरे को, अरे ओ माय गॉड हीरो फ्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, निकल। ओके सुनो मेरी बात, होगा लाला वो बंदा कहाँ पे है, उसको पाल वगैरह पकड़ा दे भाई, कुछ तो पकड़ा दे उसको। ओ माय गॉड, हाँ ठीक है भागो जल्दी। ओ माय गॉड, होगा लाला अगर ये बंदा मर गया ना अभी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारी आखिरी बंदा जो हमारी मदद कर सकता है, आखिरी उम्मीद है हमारी ये बंदा, इसको बचा कुछ हो जाए। मैं भाग रहा हूँ थोड़ा दूर के लिए, ठीक है ना, हाँ भागो यस। अबे मेरे पीछे पड़ गया बंदा, कोई बात नहीं मैं इसको यहाँ पे दूर लेके जाऊंगा, बट तुम लोगों ने देखा कम से कम 4 बार इस बंदे ने बम पटाके फाड़े, जो भी ये फाड़ता है, और हमारा जो ये बंदा है ना जो इंटेलिजेंट वाला बंदा है, वो बंदा ऑलमोस्ट बचा है मरने से। ओ माय गॉड, मेरे को अभी ना यहाँ पे हीरो फ्रेंड से एस्केप करना पड़ेगा, रुको अगर मैंने इस बंदे के आंखों के सामने पर्ल मारी ना तो इसको लग जाएगा बता, भाग, मैं नीचे आ रहा, नीचे। नाइस, ओ माय गॉड, प्लीज टेल मी कि मैं एस्केप कर चुका हूं, प्लीज। माय गॉड यस, कैसे, अरे मैं भाग गया था कैसे, अरे भाई मैं खूब चुका हूं, थैंक यू सो मच भैया जी, थैंक यू सो मच।
आपने मेरे को एक्चुअली गड्ढे से बाहर निकाल दिया, मेरे को इसको यहाँ पे हवा में यहाँ लाना पड़ेगा अपने बीच वाले उसमें, क्योंकि ये मेरा हॉट बार किया है, तभी मैं एमएलजी कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, अबे भाग के मारे कुछ। थैंक यू अगेन भाई, कितने छेद कर दिए इस बंदे ने, काश मैं अभी ट्राइडेंट होता तो मेरे लिए, मेरे को पकड़ना इज लाइक इम्पॉसिबल होता इसके लिए। भाई निकाल तेज, एंड आई गेस अब हमारा वो जो बंदा है ना इंटेलिजेंट वाला बंदा, वो सेफ है, उस चीज में बहुत खुशी है। अभी ये बंदा क्या, चुप जा, इसके भाई लाइट कहां से आई? अरे भाई एक सेकंड रुको, कहा और गलती से इस बंदे ने देख लिया कि मैं कहां पे हूं, तो फिर मेरे को लग रहा है ये इधर ही मेरी अस्थि विसर्जन कर देने वाला है, सीरियसली बता रहा हूँ तुम लोगों को, मेरे को यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा। देखो वहाँ ऊपर उड़ रहा भाई, इसके भाई लाइट रहा है यार, मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे पर्ल्स खत्म हो चुके हैं, वरना मैं यहाँ से दूर एक पर्ल मारता और मैं लिटरली बच जाता इस बंदे से। ओ माय गॉड, ये मेरा आसमान फाड़ रहा है, इसको ना शक है कि ये बंदा इधर ही किधर छुपा हुआ है, बट कन्फर्म नहीं है, दैट्स व्हाई इसका निशाना चूक गया। हीरो ब्रायन तू बहुत ज्यादा डरावना बंदा भाई, ये बंदा देखो ऊपर, ठीक है अभी उधर के लिए गया मैं, वापस उधर के लिए जा रहा हूँ सामने के लिए। Okay, let's go. और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर नीचे दो मिनट के लिए छुपने वाला, बस मैं दो मिनट के लिए यहीं पर छुपने वाला, मैं थोड़ी देर के लिए बस। ओ मेरे आसपास है शिट, अगर इसने यहाँ फाड़ा जहाँ मैं हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं और नीचे जा रहा हूँ मैं, ठीक है बहुत ज्यादा देर है यहाँ पे मैं समझता हूँ, बट यहीं पर छुपना पड़ेगा मेरे को, बिल्कुल मेरे मुंह के सामने ये बंदा, बिल्कुल मेरे मुंह के सामने है। अरे मैं नीचे पत्थर है, नीचे पत्थर, अच्छा ग्रेवल है नीचे, मैं नीचे जा सकता हूँ। शिट, ये मेरे बहुत नजदीक आ चुका है, कैसे इस बंदे को पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, आई हैव नो आइडिया, मेरे को बस इस बंदे से एक बार एस्केप करना है एंड देन उसके बाद मेरा काम हो जाएगा भाई, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। भाई साहब ये बंदा एकदम पक्का, माय गॉड मैं एक्सपोज हो गया था अभी, पर बच गया शायद से, आई हैव नो आइडिया, मेरे को नीचे आना पड़ेगा और शायद से बीच के। ओह माय गॉड, मैं तो चुपचाप से यहाँ पे छेद करके भाग रहा था भाई साहब, इसने मुझे ऑलमोस्ट देख लिया था। ओह माय गॉड यार, ये बंदा कहाँ पे, मेरे को ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा भाई, ये बंदा ऊपर ही उड़ रहा है हवा में, इधर ही, ठीक है अभी उस साइड के लिए गया हुआ ना, मैं अपोजिट डायरेक्शन में भागने वाला हूँ, भाग, एक छोटा सा रिस्क लेना पड़ेगा। भाई लामा बेचारा यहाँ पे घर बेघर कर दिया इस बंदे ने, निकल स्पॉडी पर निकल और पानी के अंदर हो चल शायद से। अरे ये मुझे देख तो लिया इसने, प्लीज टेल मी कि इसने मुझे नहीं देखा। अभी कितने गंदे छेद कर दिए इस बंदे ने यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे छुपूंगा बेटा, यहाँ ये मेरे को नहीं देख पाएगा, ठीक है अब मैं यहाँ से ना गाइस उस पानी के थ्रू। ओ माय गॉड, मेरे को पूरा का पूरा इलाका चेंज करना पड़ेगा अभी, ये हीरो ब्रायन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ब्रो, बहुत ज्यादा। अरे भाई मेरे सर के ऊपर से गया मैं भी है। ओके अब मैं निकल सकता शायद से, ओके टायर के अब मैं यहाँ आगे के लिए निकलने वाला, पानी से बाहर निकल जाऊ एक बारी तो चलने का रास्ता मिल जाएगा। यस आई गेस अब मैं यहाँ पे सेफ हूँ, पीछे फाड़ रहा है ये बंदा, इसको पता नहीं कि मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, प्लीज पीछे ही फाड़ रहा भाई ये बंदा भी, इसको नो आइडिया कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। गाइस ये हीरो ब्रायन बहुत सारा ओवर पावर्ड है यार, बहुत ही ज्यादा ओपी है ये बंदा यार, हम लोग इससे कैसे लड़ने वाले भाई, मुझे कुछ इतना मायावी काम करना पड़ेगा विजर्ड लेवल का, तभी मैं इस बंदे से फाइनली लड़ सकता हूँ अगर कभी मेरी फाइट होती है इससे फिर से, अदरवाइज मैं तो इस बंदे को पूरा अवॉइड ही करने वाला हमेशा हमेशा के लिए। एंड अब मैं गाइस वापस जा रहा हूँ हमारे होगलाले के पास, हमारे उस इंटेलिजेंट बंदे के पास, उससे पूछते हैं भाई ये विजर्ड का क्या सीन है यार, एंड क्या पता वो चीज हम लोग अपने ऊपर भी अप्लाई कर सके भाई, तब तो बेस्ट हो जाएगा ना अगर हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग बन जाए जितना हमारा विजर्ड स्ट्रांग है। ब्रो मजा आ जाएगा फिर तो यार, अगर मैं इतना स्ट्रांग बन गया, सोचो यार कोई आपको पेल नहीं सकता है, कभी भी आप हवा में उड़ सकते हो, कभी भी आप कुछ भी कर सकते हो, और लोग आपको इतना ट्रस्ट करते हैं,
कि कोई आपके खिलाफ ही नहीं जाएगा ब्रो, समझ रहे हैं तुम लोग कितनी बड़ी बात है ये। अब मैं हीरोइन से बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ, बहुत ज्यादा दूर। ओ माय गॉड, वहां पे वो दोनों बंदे, ए क्या भाई, खुश पड़ा भाई, बच्चा है यार, सच्ची में होगला लगा क्लोन यार, वहां पे स्लाइम लगा के खेल रहे, देखो भाई ये भी खेल रहा है भाई, इंटेलिजेंट बंदा। बट भाई अभी बहुत ही ज्यादा मजा आ चुका, ओ भाई लोग आ चुका मैं वापस, आ चुका मैं वापस यहाँ पे, ज्यादा खुश नहीं होने का, ठीक है ना। अब ऐसा है ब्रो, मेरे को आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद से हमारी मदद कर सकते हो, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रो आपसे भी, ठीक है। आई होप कि आपके पास वो चीज की पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो, नहीं होगी तो फिर क्या ही कर सकते। चलो ठीक है गाइस, मैं ऐसा करता हूं, मैं बात करके आता हूं अपने इंटेलिजेंट बंदे से एंड देखते हैं कि इसको पता है कि नहीं पता है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इससे भी बात करी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना तुम दोनों मेरे पीछे आओ, पहले हम लोग इतने ओपन में ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, हीरो ब्राइन विरोधी घूम रहा है। सबसे पहले गाइस मैंने इन लोगों को बताया कि मैं किस तरीके से बचे, एंड जो हमारा इंटेलिजेंट वाला बंदा है इसने मेरे को अपनी आइडेंटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल रिवील करने से मना कर दिया, ये बोला कि मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता तेरे को, बट थैंक यू सो मच तूने मुझे बचाया, बिकॉज अभी ये बंदा लिटरली मुझे बोल रहा था कि भाई गोटे गले तक आ चुके थे। क्यों? क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा डर गया था यार हीरो ब्राइन से, उसको लग रहा था कि शायद से हीरो ब्राइन अब उसके यहाँ पे हमेशा हमेशा गले पेलने वाला है। एंड नाउ गाइस, मैंने इससे पूछा कि वो जो हमारा विजर्ड है उसका पानी के साथ का क्या सीन है, पूरा का पूरा मैंने उसको समझाया कि कभी भी वो कहीं भी होता है उसको पानी के भी जाने की जरूरत पड़ती है, तो इसने मेरे को बोला वो जो चीज है उसके यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है कि वो पानी के भी सिर्फ इसीलिए जा रहा है कि उसकी पावर का कुछ कनेक्शन है पानी से, हो सकता है वो ट्रू हो, इसने मेरे को बोला, उसकी भी 100% पॉसिबिलिटी है, बट 100% पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है कि पानी के भी जाके उसका कुछ और सीन है, उसकी बॉडी में कुछ सीन है, जैसे कि हम लोग तुम लोग याद हो गए उस प्योर लेक के अंदर गए थे जहां हमारी स्किन की डिजीज थी। अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने तो उसकी भी डुबकी मारी थी, बट इसके लिए मैं पानी लाया था पीने के लिए, स्टिल ये बंदा ठीक हो गया, तुम लोग समझ रहे हो। हर एक चीज के दो या तीन या चार या इनफाइनाइट पहलू हो सकते हैं हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, ये हिमलैंड बहुत ही ज्यादा मायावी जगह है, इसने मेरे को बताया। और इसने मुझे ये भी बताया कि जो तेरे पास एक आर्मर है ना बेटा, इस एक आर्मर के 10 आर्मर बना के रख पहले ही, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, बैकअप के लिए हमेशा आर्मर होनी चाहिए, एंड बिना आर्मर के अगर हम लोग घूम रहे जो कि ये भी इस वक्त घूम रहा है, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और इस वक्त ये बंदा किसी एक ऐसे आर्मर पे काम कर रहा है जो कि लाइक प्रोटेक्शन 1000 लेवल तक का हो सकता है, मतलब इतना खतरनाक कि कोई पेल नहीं सकता आपको, एंड वो चीज बनने में पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन इसने मेरे को बोला कि अगर हमको विजर्ड के हर एक रास के ऊपर से पर्दा उठाना ना गाइस, तो वो हमको उसी फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर ही मिलने वाला है। लास्ट टाइम पे जब हम लोग उस फ्लोटिंग आइलैंड पे गए थे, तो हम लोगों को याद होगा हमको एक सीक्रेट एंट्रेंस मिली थी, इसने मेरे को बोला कि वहां पे इनफाइनाइट टाइम्स तेको अलग अलग जगहों पर पजल सॉल्व करने पड़ेंगे सिर्फ, एंड तेको अलग अलग एंट्रेंसेस मिलेगी जहां पर अलग अलग टाइप के राज हम लोगों को विजिट के मिलने वाले। तो इसने मेरे को बोला कि अगर उस चीज के ऊपर से पूरा का पूरा पर्दा उठाना है, तो भाई हमको जाना पड़ेगा वापस उस फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर। तो भाई थैंक यू सो मच फिर से बचाने के लिए, अब मैं तेरा नाम नहीं पूछूंगा, तेरा एड्रेस क्या है वो भी नहीं पूछूंगा भाई, आप जा सकते हो, एंड कभी अगर जरूरत पड़ी तो इस जगह पे वापस आऊंगा, आप मुझे बस एक डायरेक्शन बता दो आपका घर किस डायरेक्शन में है, मैं आपको ढूंढ लूंगा। अच्छा इस डायरेक्शन में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप जाओ, याद रखेंगे इसकी इस डायरेक्शन को, ताकि हम लोगों को कभी इसको ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट अपना एड्रेस बता नहीं रहा है, क्योंकि ये बंदा मतलब इसने मेरे को ऐसा बताया कि कुछ ऐसे सीक्रेट चीजों पे काम करता है ना, कि लोग इसको जिंदा देखना नहीं चाहते इस वर्ल्ड के अंदर। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा इस वर्ल्ड के अंदर होगा लाला, वो एक आधे किंग थे, अभी ये हीरो ब्राइन है, ड्रीम बॉय, फलाना जी, एसजीओ हैं, स्मार्टी भाई, इतने बंदे, इतने नहीं है गाइस। इस वर्ल्ड के अंदर एक से बढ़कर एक धुरंधर है जिनको हम लोगों ने अभी तक देखा तक भी नहीं है, पता भी नहीं है। अभी तो गाइस तुम लोग देखो हिमलैंड्स के अंदर पता नहीं क्या ही होने वाला फ्यूचर में, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वर्ल्ड है हमारा, इतना खतरनाक वर्ल्ड तुम लोगों को दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। एंड अभी हो गया लाला, कहाँ चला गया छोटे, ओए एक तो मेरे को इस बंदे का कुछ करना पड़ेगा, टाइम मशीन में जाके ना इसके बड़े वाले वर्जन को वापस लाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है जो 10 साल बड़ा है इससे। ये बच्चा है सभी उछलता रहता है सिर्फ और सिर्फ, कोई काम नहीं इसका, हालांकि ये एंटिटी है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसका मरना इज लाइक बहुत ही मुश्किल, हीरो ब्राइन भी शायद इसको ना मार पाए, पर तुम लोगों ने देखा ना इस वीडियो की शुरुआत में क्या हुआ था, पता नहीं क्या ही चीज थी जिस वजह से बंदा डर गया यार, आई हैव नो आइडिया। चलो ऐसा करते हैं, सुन बेटे ऐसा करते हैं भाई, हम लोग जाएंगे फटाफट अभी अपनी उस टाइम मशीन के पास, कहाँ गए बंदा भाई दिख नहीं रहा है मेरे को, क्या छोड़ो टाइम मशीन में जाएंगे एंड वापस से अभी हम लोग आए जाने वाले हैं उस विजर्ड के आइलैंड के ऊपर। एंड आज तो मुझे पता लगाना है भाई सब कि विजर्ड का क्या राज है, एग्जैक्टली पानी के बीच क्यों जाता है बार बार, किस तरीके से हम लोग इसको पेल सकते हैं। और अगर तो ऑलमोस्ट हम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, एंड भाई सुन तेरा काम है मेरी रखवाली करना, तो इस बार मैं तेरे को भी लेके चलूंगा, तो ऐसा कर तू मेरे साथ चले टाइम मशीन में, ठीक है ना। मैं हर बार अकेला जाता हूं तो गाइस वहां पे क्या होता है कि मेरे आर्मर ऊपर निकल जाते सारे के सारे, एंड देन सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस बार ये अगर मेरे साथ मेरा होगा लाला का भाई आएगा, कलोन आएगा, तो मेरे लिए मेरे मजे पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे ओए नीच
नीचे आ। होगा लाला, हेलो बच्चे नीचे आ। What the heck is this? अरे मेरी टाइम मशीन कहाँ चली गई यहाँ से? ओए What the heck is this? फलाना जी उस बंद, अरे भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी गाइस। फलाना जी ने जब लास्ट टाइम पे हमारी टाइम मशीन देखी थी तो मैंने उस टाइम पे क्यों इसको यहाँ से गायब नहीं करवाया टाइम मशीन को, मैंने सोच भी दिया था ये चीज कि अब यहाँ पे फलाना जी आ चुका है तो मेरे को इस टाइम मशीन को यहाँ से गायब करवाना पड़ेगा। फलाना जी ने मेरे पूरा का पूरा यहाँ से गायब करा दिया। दिस मीन्स एजियो को भी पता है, एजियो फलाना जी ने मिलके मेरा पूरा का पूरा माल चोरी कर दिया यहाँ से यार, मेरी टाइम मशीन ब्रो। अब हम लोग कैसे विजर्ड के खिलाफ सबूत लेकर आएंगे उस फ्लोटिंग आइलैंड से? उस फ्लोटिंग आइलैंड तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ टाइम मशीन है। टाइम में आगे पीछे जाके हम लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, वहां तक डायरेक्ट जाने का जो पोर्टल है वहां तक उसको हम लोग कैसे लिंक कर सकते हैं? वी हैव नो आइडिया। उस ट्राई पोर्टल के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसका इस्तेमाल कैसे करना, वी हैव नो आइडिया। इसको भी नहीं पता भाई, होगा लाला को। और मे बी विजर्ड ने कराई हो हमारी टाइम मशीन का है। भाई विजर्ड कितना ज्यादा तेज बंदा है, मैं तुम लोग को बता रहा गाइस। अब यहाँ पे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, अब विजर्ड के खिलाफ सबूत निकालना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल हो चुका, मैं कुछ नहीं कर सकता। होगा लाला फंस चुके मैं और तो यहाँ पे भाई, अब मैं और तो ऐसे उछलते रहेंगे ऐसे करके, बस उछलते हैं और यहाँ पे डांडिया करते हैं। चल मैं और तो ठीक है, अब यही कर सकते हैं हम दोनों, और कुछ भी नहीं कर सकते ब्रो। या ब्रो हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो काम ये है सीधा ही इस विजर्ड को पकड़ते हैं और ऐसा पेलते हैं ना, और मेक श्योर करेंगे कि भाई ये बंदा पानी के बीच ना जा पाए। क्या बोलते हो? ऑन द स्पॉट लग जाएगा, पता है इसकी कमजोरी क्या है, क्यों हमको क्यों जाना भाई उस आइलैंड पे। हम लोग अपनी पीवीपी स्किल्स, पार्कोर स्किल्स और जितने भी टाइप की स्किल्स है ना भाई उसका इस्तेमाल करके इसको पेलने की ट्राई करते हैं। लेट्स गो मैन। हम लोग भाई, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं बचा यार। अब मेरे को गाइस यहाँ पे एक्चुअली हार्श कदम उठाने पड़ेंगे तगड़े वाले, और मेरे से मेरा होगा लाला का क्लोन तो है ही है, ये बंदा मेरी पूरी की पूरी मदद करने वाला है, पूरी की पूरी मदद। अब जो मर्जी बंदा बीच में आ जाए भाई, अब चाहे हीरोइन क्यों ना जाए, हीरोइन के पिताजी क्यों ना जाए, सबको पेल दूंगा। अब मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत से भी बहुत ज्यादा गुस्सा। और इस डायरेक्शन में तो हमारे को, इस डायरेक्शन में तो हमारा ये है ना विजर्ड है, आई मीन किंगडम है, इसके अपोजिट चलते हैं और एसजीओ के जगह पे चलते हैं। विजर्ड अभी वहीं पे मिलने वाला मेरे को, अगर वहां पे नहीं भी होगा मैं उसको ना 10 घंटे तक वेट कर लूंगा, बट अभी मैं विजर्ड को पेलने वाला बुरे तरीके से। भाई हमारी इन बंदों ने टाइम मशीन चोरी कर दी यार, अभी कमाल है भाई, ये तो कमाल की बात होगी भाई, हम कुछ नहीं कर पाए भाई, इसीलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ इसको छोड़ना नहीं हम लोगों ने भाई। अरे रुक जा, अरे अभी हम लोग यहाँ पे उससे फाइट करने के लिए जा रहे हैं भाई, क्या नाम है अपने विजर्ड से, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। उसके लिए गाइस मेरे को एक बहुत ही तगड़े वाली तैयारी करनी पड़ेगी, एंड अभी मैं वो चीज करने वाला हूँ, मैं तुम लोगों को वो चीज दिखाऊंगा तभी अगर उसकी जरूरत पड़ेगी, वरना मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और अगर तो वो वाला काम मैंने यहाँ पर कर दिया है, इसने मुझे कुछ सामान वगैरह दिया, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं अभी उससे लड़ने के लिए अपने विजर्ड से, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो कितना ज्यादा तबाही मचाई हुई है, ये देखो यहाँ पे, ये उस हीरो ब्रांड का काम है भाई, वही ऐसी हरकतें कर रहा है, देखो कितने छेद किए उसने इस वर्ल्ड के अंदर। जितना जल्द से जल्द हो सकता है इस हीरो ब्राइन की भी कोई ना कोई कमजोरी मुझे पता करनी पड़ेगी, एंड इसको हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज देखो कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा हीरो ब्राइन द एंटिटी को भी कैप्चर करने का। जैसे हम लोगों को होगा लाला की कमजोरी पता चली थी क्राइंग ऑब्सीडियन की, वैसे इसकी भी कुछ ना कुछ तो होगी ना, क्या बोलते तुम लोग? बट वो फिलहाल को यू नो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज हमें ये ही नहीं पता है कि हम लोग, अरे ओए अरे क्या हो जाता है इस बंदे को, ये क्या हरकतें कर रहे हैं? अरे भाई हम लोग यहाँ पे काम पे जा रहे, कहाँ चला गया, पानी के नीचे जाके छुप गया बंदा। यार तू क्या हरकतें कर रहा है, अभी हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना, चल यहाँ से। अरे भाई मुझसे क्यों डर रहा है, हेलो, अरे नेदरलैंड से डर रहा है क्या, मैं तुझे मारने थोड़ी आ रहा हूँ भाई, हेलो। अरे मेरे भाई कहाँ जा रहा है ये बंदा, हेलो भाई क्या हो गया, ये करने की क्या कोशिश कर रहा है बंदा, एक सेकंड रुको, डोंट टेल मी कि तू यार फिर से डर चुका है, इसको कुछ दिखा है क्या फिर से, व्हाट भाई बंदा भाग गया, मेरे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है यार, क्या बंदा यार ये, पता नहीं कहाँ चला गया फिर से, बहुत ही अजीब सी हरकतें करता है भाई बंदा कई बारी। अब क्या इसको विजर्ड से डर लग गया क्या? हालांकि मैं तुम लोगों को एक चीज बोल सकता हूँ, विजर्ड खतरनाक है बट इसको मार नहीं सकता मेरे हिसाब से विजर्ड यार, अरे विजर्ड से डरता भी नहीं है, एक बार इसने ऑलरेडी विजर्ड से फिस्ट फाइट कर दिया और खतरनाक वाली फिस्ट फाइट करी उसने विजर्ड के साथ, पता नहीं भाई अभी क्यों डर के मारे भाग गया यार बंदा, यार ऐसा क्या दिख गया इसको जो मुझे नहीं दिख रहा है भाई, बहुत ही अजीब सी बात है ये। खैर छोड़ो गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी अकेले भाड़ में जाए, सबको दुनियादारी भाड़ में जाए, मैं भी अकेले जाने वाला हूँ। एंड आई गेस अभी मेरे को हिमलैंड्स का जो हमारा मेन वर्ल्ड है वहां पर एसजीओ मिल सकता है एंड विजर्ड भी मिल सकता है, एंड आई होप कि विजर्ड मुझे मिल जाए। अगर अकेला मिल जाएगा ना तो भाई मैं अभी उससे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ऑलराइट, बहुत टाइम के बाद फिर से गाइस अपने हिमलैंड्स के वर्ल्ड के अंदर कदम रखते हुए, एंड यहीं पर आसपास ये लोग होंगे 100%, मैं तो इनको यहाँ पे भी ललकार रहा हूँ। एसजीओ हेलो 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 हेलो, ये किस नल्ले का आवाज आ रहा है बे? हाँ नल्ला हूँ मैं, इधर आओ भाई तुम मेरे सामने आओ, स्कैमर लोग तुम्हारी ऐसी की तैसी हैं,
हिम्मत, हमारे गरीबों की याद कैसे आ गई बेटा? हिम्मत 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 कैसे हुई भाई? विज़र्ड भी यहीं पे है। ऐसे सुनो, मैं बस आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, विज़र्ड को पहले पहले यहाँ से भगाओ इस बंदे को। ओए तू निकल जाए यहाँ से, तू निकल जाए यहाँ से, तू नहीं, वो नहीं निकलेगा। ये बंदा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा दादागिरी कर रहे हो आप, विज़र्ड बहुत यूजफुल बंदा है। तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसी है? तुम लोग मेरे उस इलाके पे कैसे गए, मेरे उस नए किंगडम पे, और मेरा सामान चोरी कर दिया वहां से? हम लोगों को कुछ किंगडम विंगडम में इंटरेस्ट नहीं है, हमने कुछ नहीं किया भाई। अरे ये देखो, विज़र्ड ने मुझे अभी जस्ट बोला, ये बंदा ऐसे ही झूठे झूठे क्या दावे करेगा भाई हमारे ऊपर, कि ये चुराया वो चुराया, हम नहीं है भाई चोर। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो ये कि विज़र्ड गेम खेल रहा है। आपको मेरी बात माननी नहीं है तो मैं बार बार एक चीज रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना? मुझे बताओ फलाना जी कहाँ पे है? यही गाड़ दूंगा नीचे में उस बंदे को, उसने जो मेरे साथ यहाँ पे सीन किया हुआ है। हमने किया ही नहीं है कुछ, तो हम लोग क्यों करें भाई, क्या दादागिरी है ये? हमने कुछ किया ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो आप क्या चोरी के दावे कर रहे हो हमारे ऊपर? अरे दादागिरी तो दिखाऊंगा तुम लोगों के ऊपर, तुमको तो मैं छड़ने वाला नहीं हूँ, इसको भी खास करके इस विज़र्ड को। तो मैं एक मिनट, आपने तो वो होगा लाला को आजाद कर दिया, बड़े यहाँ पे चौड़े बनते हो, और अभी उसको आजाद कर दिया सबसे बड़े भाई। ओ हेलो, मैंने कोई होगा लाला को आजाद नहीं किया, आप लोगों को पूरी पूरी बातें पता नहीं है। फलाना जी एक नंबर का गुंगा इंसान है, उसकी बात पे विश्वास मत करो। मैंने वहाँ पर एक मशीन लगाई थी, जो मेरी मशीन वहाँ से चोरी हो चुकी है, तुम लोगों ने चोरी करी है। हमने क्यों चोरी करी? चोरी करी पता भी नहीं है मशीन। विज़र्ड बेटा, विज़र्ड बेटा, मेरे को तेरा राज पता चला बेटा, बहुत बड़ा राज है बेटे, बड़ा छुपा रहा था, पानी के बीच जाता है बार बार। ये बंदा स्कैमर है, लिटरली बोल रहा हूँ मैं आपको। देखो मारामारी कर, मैं बता रहा हूँ, पंगा हो गया। अरे आप देखो, देखो मारामारी होता है। अरे भाई एसजीओ आप देख लो, अरे मेरी बात सुनो भाई एसजीओ, जैसे मैंने इसके राज की बात करी आपने गुस्सा दिला दिया भाई। अरे मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, जब मैंने जैसे मैंने उस राज की बात करी, इसने मेरे को मारना स्टार्ट क्यों किया? स्कैमर है ये बंदा, बोलो तो सही राज बता। अरे नहीं, अभी मैं आपको राज नहीं बता सकता हूँ। सुनो, आपने एक चीज, अरे आपने एक चीज नोटिस करी, जैसे मैंने राज का नाम लिया, बंदा अग्रेसिव हो गया। एसजीओ बंदा स्कैमर है, यकीन हो चुका है कि जो चीज मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, मैं प्रूफ कर दूंगा ये बंदा स्कैमर है। बताओ ताकि मैं भी आपकी टीम में आ जाऊँ। देखो 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 देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपको राज तब बताऊंगा जब मैं 100% कंफर्म होऊंगा। अभी मैं आपको कुछ बता दूंगा ना उल्टा सीधा, तो आप मेरे खिलाफ हो जाओगे फिर से भाई। मैं आपको बता रहा भाई, जाओ रे, ये बंदा स्कैमर है भाई, बंदा यार सीरियसली बता रहा हूं। ये स्कैमर तो आप हो भाई, वहाँ पे हुगा लाला को छोड़ दिया पूरी। अरे मैंने नहीं छोड़ा हुगा लाला को, मारेगा हम लोगों के सब जगह से। ओए तुम लोगों ने मेरी टाइम मशीन चोरी करी है, ठीक है ना? ज्यादा हवा में नहीं उड़ेगा। हम लोगों को टाइम मशीन के बारे में पता भी नहीं है भाई। मैं बता रहा तुम लोगों को भाई, ये बंदे बहुत बड़े स्कैमर्स है, ये एसजीओ भी इनके साथ मिलके स्कैमर बन चुका। बट मैं एसजीओ, जिस दिन आपको मैं राज बताऊंगा ना इस विज़र्ड का ना भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उस दिन आप चौंक जाओगे ब्रो, चौंक जाओगे ब्रो आप। और बस मेरा अभी जिंदगी का मकसद यही है कि इस बंदे के झूठ को सबके सामने लेकर आना है, मैंने सीरियसली बता रहा हूँ। अरे आप झूठ बताते भी नहीं हो और इससे भाग रहे हो, यहाँ पे आओ ना, आमना सामना करो, बोलो बातें। भाग कौन रहा है भाई, तुम दोनों के पीछे हो मैं, तुम दोनों आगे भाग रहे हो मुझसे। यार देखो, ढूंढ रहे भाई, ढूंढ रहे, ये देखो इसका, इसको तंग कर रहा है मैंने यार, इसको मैंने तंग कर रहा है। विज़र्ड भैया, मेरे को आपका रास्ता पता चल चुका है। अरे एसजीओ भाई, आपने एक चीज नोटिस करी है क्या? अरे मारो भाई इसको, हमने कुछ नोटिस नहीं किया, हमको करना ही नहीं है भाई, ये सब झूठी भाई। या तो एसजीओ पूरे तरीके से मिल चुका यार भाई, अगर आपको किंगडम ही चाहिए, इधर आओ। मुझे किंगडम भी चाहिए नहीं भाई, तुम दोनों को पेलने वाला है यहाँ पे। अभी तो हम लोग को किंगडम चाहिए ही नहीं, हम तो अभी पूरा इवेंट देख रहेंगे। ओह माय गॉड, वो चिंदी चमाटी आप ही रखो, हमें किंगडम नहीं चाहिए, हम लोग पूरा इमलाइन से ले लेंगे भाई। वाह अभी, अरे बेटा तुम रुको, ज्यादा दादागिरी चल रही है, दादागिरी चल रही थी मेरे ऊपर। सबसे पहले इस विज़र्ड को एक्सपोज करूंगा, और ऐसा एक्सपोज करूंगा ना भाई, ये बंदा रोएगा मेरे सामने, गिड़गिड़ाया गया बंदा मेरे सामने, देखना आपने बहुत मेरा टाइम आने वाला है। एक्सपोज करना ही है तो अभी बोलो ना, बोलते तो नहीं हो आप, मेरा टाइम आने वाला है बेटा, मारो विज़र्ड, अभी मिलके कूटते भाई इसको, बताना नहीं है सिर्फ यहाँ पे फेंका फेंकी। ऐसे मैं आपको अभी नहीं बता सकता मेरे भाई, अभी मेरे को एक बारी पता करना है पूरा का पूरा राज, कि एग्जैक्टली क्या राज इसका पानी के नीचे। अरे दोनों मिलके मार रहे भाई, भागो 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 भागो, जितना पता है उतना बता दो भाई, बाद में एक साथ ढूंढेंगे अगर विज़र्ड दुश्मन है तो। अरे आजा बेटा, डर मत बेटा, आजा। यहाँ पे नल्ली सॉर्ड लेके आए हम लोग, नल्ली सॉर्ड, हम लोग यहाँ पे बेचारे बगीचे में घूम रहे थे और आ गया मारामारी करने के लिए। आर्मर लेके आया, आर्मर लेके आया मैं इसको, अभी कौन सा आर्मर लेके आएगा अभी यहाँ पे पेलते हैं भाई। हम लोगों को विज़र्ड ने एक ऑसम सी चीज दी है, उससे पेलेंगे हम लोग, ऐसे ही नहीं पेलेंगे आपको इजी चिंदी में।
ऐसे पहलेंगे कि वापस आने की हिम्मत ही नहीं होगी कभी इस लोकेशन पे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। विज़र्ड उसको छोड़ना मत, उसकी सारी लोकेशंस का पता लगाओ भाई, उसके पीछे ही रहो आप। और गए तो एसजीओ तो यहाँ से निकल चुका सीन से, और मैं चाहता भी था कि एसजीओ एक्चुअली निकल जाए, बिकॉज मैं उसे लड़ना चाहता ही नहीं, सीधी सी बात है जो है ना, बिकॉज वो बंदा भी यहाँ पे गुमराह हो चुका है और इस विज़र्ड ने गुमराह किया है। एंड अभी मैंने अपना वॉइस चैनल वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है, एंड अभी मेरा प्लान पता क्या ना, इस विज़र्ड को मैं पता कहाँ लेके जाऊंगा, किसी डेजर्ट वाली जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी नहीं होगा, और इसको मैं वहाँ पे उलझा के रखूंगा फाइट के बीच में। एंड देन तुम लोग देखो, जैसे ये बंदा पानी के लिए तड़पेगा ना भाई साहब, उस वक्त मजा आएगा, एंड वहां पर 100% कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्टली जब ये पानी के बीच नहीं जाता है ना, तो इसके साथ क्या होता है। और भाई मेरी ना बहुत ज्यादा हेल्प जा रही, कहाँ ये बंदा, वो आ गया आ गया, आ जा आ जा आ जा आ जा बेटा आ जा बेटा, अब इसको कंटिन्यूसली भगाना है मैंने गाइस, जब तक मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई डेजर्ट नहीं मिलता आसपास। फिलहाल को जितना मेरे को याद है यहाँ पर हमारा डेजर्ट शायद से इसी डायरेक्शन में आता। देखो यस, यहाँ मैं कोई ट्रैप बना रहा था, मेरे को याद है अच्छी तरीके से, यहाँ पे ना इस डायरेक्शन में आता है वो डेजर्ट, तगड़े वाला बड़ा डेजर्ट है, वहाँ पे पानी नहीं होगा। इसको वहां लेकर जाऊंगा और ऐसा धोऊंगा ना इसको मैं वहां पे बिना पानी के, ये भी याद रखेगा। बहुत हो गया भाई, बहुत शराफत की जिंदगी जी ली है, अब दिखाएंगे इनको हम लोग कि हम लोग भी ईविल है। और गाइस भागते भागते हम लोग बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं, एंड यहाँ पे ना बैड लैंड्स है, दिक्कत है कि यहाँ साइड में देखो पानी है यार, पानी है बस यही दिक्कत है, और ये बंदा यहाँ पे पानी के लिए जा रहा है। मैं बता रहा तुम लोगों को भाई, कुछ तो गड़बड़ 100% है, ये बंदा पानी के बीच अभी भी गया था, वापस आ गया बाहर। ओ माय गॉड, चलो अब मैं यहाँ से निकलने वाला भाई। मेरे को अभी ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सीरियसली, तुम लोगों को हो रही है कि नहीं हो रही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जिस दिन इस राज के ऊपर से पर्दा उठेगा ना भाई, जो कि मुझे अभी रिसीव करना है कि ऐसा क्या है जो बंदा पानी के बीच बार बार जाता है। हाँ, जो हमारी ये वाली बाय मैंने कहा सवैना वाली, यहाँ भी क्या होता है कि डायरेक्ट पानी ही नहीं मिलता है, छोटे छोटे वो तालाब जैसे होते हैं उनको तो मैं अभी रिसीव भर दूंगा यहाँ पे अपने ब्लॉक्स के साथ, या फिर एक या दो स्पंज लगाऊंगा ना भाई, पूरा का पूरा पानी का वो भर जाएगा। और यहाँ पर भी बहुत ही कम पानी होता है, बहुत ही ज्यादा कम पानी, विच इज नाइस एक्चुअली, है कि नहीं, अपने को हुई तो चाहिए। फटाफट चले यहाँ से ऊपर, और मैं नजर मारने वाला हूँ बस एक ऐसा इलाका जहाँ पर पानी ना हो, मेरे मजे बढ़ जाएंगे फिर। एडवांस नीचे एक रवीन तो मेरे को दिख रही है बड़ी ऐसी, बट शायद हो सकता है उसके नीचे पानी ना हो, हु नोज ब्रो। ओके, ये वाली बहुत मस्त जगह है, ये वाली बहुत मस्त जगह है, यहाँ देखो नीचे सिर्फ वहां पर पानी का स्रोत है, उसके अलावा दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है मेरे को। यस, यहाँ पर मैं इस बंदे को लेके जा सकता हूँ, आ जा आ जा तू बेटा अभी। अरे पानी गिर गया नीचे, नहीं पानी जल्दी जल्दी गायब हो जा, कम ऑन। हाँ गायब हो गया पानी, दिस इज नाइस। और जितना ये मुझसे दूर है ना अभी, मैं यहाँ पर इसी का फायदा उठा सकता हूँ, अपने लिए मैं ब्लॉक्स निकालने वाला बहुत सारे मेरे पे एक्चुअली। अरे यार वो होगा लाला का, वो भाग गया यार, होगा भाग गया यार, अगर मैं उस बंदे से ब्लॉक मंगा सकता था यहाँ पर अभी बहुत सारे। मेरे पे यहाँ पे कोई शॉवल वगैरह भी नहीं थी, सीरियसली बता रहा हूँ तुम लोगों को, अगर शॉवल चोवल होती ना मेरे पास। मैं यहाँ पर कहीं पर टावर अप करके चढ़ सकता हूँ, मुझे लगता नहीं इसके पास इतने सारे ब्लॉक्स तो होंगे, है कि नहीं है। ओए एक सेकंड रुको, मैं टावर अप क्यों करूँ, कैसे देखो इससे पहले जब पानी के बीच गया ना तो लगभग लगभग 8 से 9 मिनट्स हो गए थे कंटिन्यूसली भागते हुए, अभी इसको बस मेरे को 8 से 9 मिनट तक यहाँ पे उलझा के रखना है, एंड देन उसके बाद टावर अप करेंगे ताकि टावर पे चढ़ाओ ये बंदा, समझ रहे तुम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग से गेम खेलना पड़ेगा, एंड एटलीस्ट 3 से 4 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं इस बंदे को मेरे पीछे आते आते, बस 5 मिनट और टाइम वेस्ट करना है मेरे को यहाँ पे, दैट्स इट, इधर ही घुमाता रहूंगा इस बंदे को। आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, मेरे को मालोगे आप बेटा, मेरे को मालोगे बेटा जी आप, मेरे को मालोगे बेटा जी आप। ओ माय गॉड, कितनी ज्यादा हेल्थ है इसकी, आई मीन स्ट्रेंथ है इस बंदे के पास, ओ माय गॉड। आजा आजा, बस 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 बस, 1 मिनट और बीत चुका है गाइस, 1 मिनट और हमारा पीसफुली बीत चुका है, बस थोड़ा सा और टाइम वेस्ट करवाना मैंने, मेरे को थोड़ा बहुत खाने की जरूरत पड़ने वाली है, ऐसे भगाता है इसको। इस बंदे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरी एग्जैक्ट यहाँ पर प्लानिंग क्या है। इतना दूर से मारा इसने मेरे को, देखा तुम लोगों ने कितना दूर था बंदा मुझसे। आजा मेरे बेटे, आई मीन आजा मेरे दादाजी, आजा मेरे दादाजी, कुछ नहीं कर पाएगा, रुको ना थोड़ा फाइट करना पड़ेगा इससे, मेरे को शक हो जाएगा। आजा आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। ओके इसकी स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ वैसे कम नहीं हो रही भाई, इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़े जा रही है। ओके जैसे जैसे बंदा पानी से दूर है इसकी स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से कम होनी चाहिए, अगर मेरी थ्योरी ठीक थी कि लाइक इसकी पावर्स कम हो जाती है, बट मुझे फील नहीं हुआ, इसने मेरे को अभी 3 शॉट मारे और बहुत ज्यादा हर्ट्स खाए मेरे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद से इसकी जो पावर है उसका लेना देना नहीं है पानी से, समझ रहे हो तुम लोग मैं गाइस क्या बोल रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसने मेरे को अभी 3 शॉट मारे। अभी एक और बार टेस्ट कर लेते हैं, अरे मेरा बेटा नहीं, इसकी पावर कम नहीं हो रही है, निकल बेटा यहाँ से तू अभी, बट 60 सेकंड और मेरे को निकालने हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग गाइस ऊपर के लिए जाने वाले हैं, और यहाँ पर आसपास कहीं भी पानी नहीं है। अरे शिट वो छोट, अरे वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, इसको पानी दिखाना नहीं है भाई,
इसको पानी दिखाना नहीं है भाई, वहां पर मुझे ना एक्चुअली पानी दिख गया गलती से भी अभी यार। आई गेस अब टाइम हो चुका गाइस, अब टाइम हो चुका है यहाँ से ऊपर जाने का, मैं जा रहा हूँ ऊपर। यार जी फास्ट 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 फास्ट, आजा मेला बेटा, आजा मेला बेटा, आजा मेला बेटा, तोड़ तू उसको भाई तू। अब देखो गाइस, इसको तोड़ेगा आराम आराम से ऊपर आएगा, और इससे क्या होगा, इसका टाइम वेस्ट होगा जो कि मैं चाहता हूँ। ऊपर आएगा, आएगा, आजा 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 ऊपर, आजा ऊपर आजा, यस तेरे को मैं ऊपर आने नहीं दूंगा। ओके मैंने गाइस बहुत तगड़े वाला टाइम वेस्ट करा इसमें, देखो बहुत ही तगड़े वाला। व्हाट द हेक भाई साहब, आजा ऊपर आ, ऊपर आ तू। ओके 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 ओके, यस यस यस। ओके गाइस अभी ना थोड़ी ही देर के अंदर अंदर इस बंदे को यहाँ पर पानी की जरूरत पड़ने वाली है, दिस इज माय गारंटी। तो हमें को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अब ऊपर चलते हैं, अब ऊपर चलते हैं, अब इसको ऊपर आने दे। ओह माय गॉड, इसने मुझे नीचे गिरा दिया भाई, क्या ही नल्ले वाली हरकतें कर रहा हूं मैं। इनफैक्ट ये स्लाइम रहने देते हैं, ये हमारे क्लच के लिए काम आ सकता है। अब इसको ना यहाँ पे पानी की जरूरत पड़ने वाली है, तो नीचे रहेगा जमीन पे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। हाँ बेटे आजा ना, आजा भाई तू, अरे तू आजा आजा मेरे बेटे, मेरे पास यहाँ पे हजारों ब्लॉक्स पड़े हैं भाई, हजारों ब्लॉक्स, क्या करेगा तू, कुछ हो रहा है इसको, कुछ हो रहा है इसको। ओके ओके निकल निकल निकल, ये उस पानी के स्रोत पे जा रहा है। ओ चलो 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 चलो, आजा 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 मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, यहाँ पर इकलौता सोर्स है इस पानी का जो कि यहाँ पे है, आजा बेटे। भाई मैंने एक्चुअली उसकी लोकेशन भूल गया हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर इसको मुझसे पहले मिल गया दिक्कत हो जाएगी। अरे वो स्रोत कहाँ गया पानी का, प्लीज प्लीज, हाँ यहाँ पे है। आजा मेरे विजय भैयो, आजा मेरे विजय भैयो, आजा 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 आजा। ओ भाई साहब, ओके रुको, अभी ये बंदा मुझसे लड़ने थोड़ी आ गया, तो डर रहा है, जा जा ना पानी, पानी ढूंढ बैठे, तू पानी ढूंढ पहले, तू पहले पानी ढूंढ वरना मर जाएगा। ओ माय गॉड भाई, अभी मैं शायद से उसको मार पाऊंगा, अभी मैं उसको शायद से मार पाऊंगा, या तो फिर अगर ओ शिट, अगर मैंने यहां पे एक प्रिजन टाइप कुछ ट्रैप बनाया होता ना, और अभी अगर मैं उसको फंसा देता। देखो भाई पार्कोर गॉड है भाई, देखो इसकी पार्कोर स्किल्स में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे सामने पानी है, नहीं 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 नहीं, नो वेस भाई, ये अंधा हो क्या। ओके अब निकल यहां से, 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 अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार। गाइस मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी यार, काश मैंने एक ट्रैप बनाया होता जहां पर मैं इसको घुसा देता तो कितना बढ़िया होता यार। मैं इसे क्यों जा रहा हूँ लड़ने के लिए, मैं इसे क्यों जा रहा हूँ लड़ने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई हैव नो आइडिया, अब मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, अब क्या किया जाए यार। शिट यार, अगर मैंने सच्ची प्रिजन बनाई होती ना यार, गाइस ये बंदा अगर लाइक दो मिनट के लिए फंस जाता ना, मेरे को इसका राज पता चल जाता यार। बंदा अपनी पूरी मुंडी घुमाने लग गया भाई इतने बुरे तरीके से। आजा मुझे बता दे विजिट अपना राज, था मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा भाई, इतना तो मैं अभी यहाँ पे ब्लफ कर सकता हूँ, नहीं करूंगा ब्लफ, सॉरी मैं इसको नहीं मार सकता भाई। आजा बेटा, इतना तो हमने भी सीखा है, इतना तो हमने भी सीखा बेटा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं गया, मेरी शील्ड टूटने वाली है। नो नो विश, नो विश, नो विश, नो विश, नो विश, नो विश, नो नो, हाफ हार्ट, ओ माय गॉड, होगा लाला, थैंक यू, ओ माय गॉड, मैं हाफ हार्ट में था, रुक जा, होगा होगा होगा, पहले इसको, यस, ये लोग लड़ रहे आपस में, होगा लाला, तू थोड़ी देर तक लड़ता रहे, थोड़ी देर तक लड़ता रहे भाई, प्लीज मेरे को निकल लेते यहाँ से, मैं विजर से नहीं लड़ सकता हूँ। ओ माय गॉड गाइस, हम लोग कितना नजदीक आ गए थे यार इसके राज के ऊपर से पर्दा उठाने के, और अब देखो यहाँ पर क्या हो गया यार भाई, क्या हो। अरे भाई ये तो लड़ते रहते इधर ही आ गए, निकल रहा हूं मैं, हो गया ना, फटाफट भाग के आई तो ठीक है ना, इसको मारना इम्पॉसिबल है, बट अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं भाई। गाइस मेरे को ना कोई बहुत ही ईविल वाली स्ट्रेटेजी बना के आनी पड़ेगी, बहुत तगड़े वाली ईविल स्ट्रेटेजी, तभी जाकर हम लोग इस बंदे को कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत तेज है, इसको पानी तो कहीं भी मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, तुम लोग समझ रहे हो यार, कहीं भी हम लोग लड़ेंगे इसको पानी मिलेगा ही मिलेगा, कोई चांस नहीं हमारा कि इसको यहाँ पर पानी ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है यार। ठीक है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, हो गया लाला भाई, तू फटाफट इससे दो या तीन मिनट और लड़ता रहे अगर तू मेरी आवाज सुन रहा है, देन उसके बाद तू मेरे पास आ जाइए भाग के, है ना, तेरे को तो रोक नहीं सकता एक जगह पे, क्योंकि तू तो बहुत ज्यादा हाइट में छलांगे मार मार के आता है ना, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी इसके लिए तो भागने के लिए। मेरे लिए दिक्कत थी क्योंकि मेरा पर्ल नहीं था यहाँ पे, और मुझे हाफ हार्ट ने बचा दिया भाई। मैंने तुम लोगों को बताया कि होला लगा जो कलोन है ना हमारा, ये बहुत ही सही बंदा यार, ये किसी भी सिचुएशन में मैं फंसा हूँ ना, ये अपनी जान की बाजी लगा के आएगा मेरे को बचाने के लिए, कुछ भी हो जाए, ये इतना नेक बंदा है सच्ची बताऊं तुम्हें। जितना होगा लाला घटिया था, ये उतना ही अपोजिट है उसका अच्छे वाला। ओके एक आधा गाइस मैंने खाना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाल दिया, थोड़े बहुत पोर्क चॉप्स वगैरह जरूरी है ये भी अपने लिए,
अब निकलते हैं भाई यहाँ से ना फटाफट। ओ यहाँ मुख सामने है ना ये वाला विलेज, ठीक है बेस्ट हो गया ना। मैं ऐसा करता हूँ इस विलेज के अंदर यहाँ पे डेरे डालते हैं और मैं आप अपने होगा लड़के कॉलोन का वेट करता हूँ। ये बंदा तो मेरे को ट्रेस कर ही देता है, मैं जहाँ भी जाऊंगा ये बंदा मेरे को यू नो भांप लेता है कि मैं एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हूँ। मुझे उसको कोऑर्डिनेट्स बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं अब इस घर के अंदर छुपने वाला गाइस, दैट्स इट। और अरे भाई सब आ गया, अरे फाइनली आ गया भाई। तूने अच्छे तरीके से विजर्ड को चकमा दे दिया ना, तेरे पीछे तो नहीं आया ना बंदा, मारा तो नहीं होगा तूने उसको इतना तो मेरे को पता है। खैर छोड़ो गाइस, अब देखो गाइस अभी हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे डिस्कस करनी है। हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि हम लोग विजर्ड को किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छे वाला प्लान है। देखो मैंने क्या सोचा हुआ है कि विजर्ड को एक ऐसी जेल के अंदर हमको बंद करना है, एक ऐसी जेल और एक ऐसी जगह पे उस जेल को बनाना पड़ेगा जहां पर आसपास पानी लगभग आप मान के चल लो 500 ब्लॉक की रेडियस से पानी नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरा जेल ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि अनब्रेकेबल हो। अब मुझे इतना पता है कि ऐसी जेल हम लोग तो बना नहीं सकते बिकॉज हम लोग यहाँ पे माया भी बंदे नहीं है, वो सिर्फ उसे विजर्ड ही कर सकता है, या तो फलाना जी करता है, फलाना जी मेरे खिलाफ है। तो कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पे हम लोग विजर्ड को फंसा सके, जहां उसको पानी का जो उसका सप्लाई है पूरे तरीके से हम लोगों को कट ऑफ करना पड़ेगा। और मैं पता क्या सोच रहा हूं यहां पे होगा, मैं सोच रहा हूं कि जो हमारे किंगडम के पास वाला ऊपर सबसे बड़े वाला डेजर्ट है ना वहां पे जा। ड्रीम बॉय ये क्या कर रहा है बंदा मुझे? अरे मेरे को यहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन सही निकली, ये आपका ही चैम्बर है ना, ये सब समझ गया उस मार्टी भाई में। अरे मेरा ही, अरे ये सब समझ गया। मुझे लग रहा था कि एसजीओ ने चोरी किया मेरी टाइम मशीन और मेरे पर्ल चैम्बर ही पूरा का पूरा चोरी कर दी इस बंदे ने यहाँ पे। अरे चोरी चोरी तो आपने करी है, मेरा हीरो ब्राइन दो वापिस। अरे क्या बोलना चाहते हो भाई, हीरो ब्राइन? अरे सब समझता हूँ, ये तुम सब लोगों की चालें हैं जो आप एसजीओ भाई के साथ भाई बंदा मेरा रहने दो स्मार्टी भाई, मेरा मेरा पूरा मेरा हीरो ब्राइन दो वापस। अरे मेरे पास नहीं है तुम्हारा हीरो ब्राइन, आपके पास है। लड़ना क्या बेटा, लड़ना क्या मेरे से है, लड़ना क्या स्मार्टी भाई, लड़ना क्या? जाओ मारो मारो मारो, ये खड़ा मैं, मारो मारो, हो रहा है कुछ मेरे को, मारो ना। देखो स्मार्टी भाई मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ बट मेरे को जल्दी बताओ मेरा हीरो ब्राइन किधर है। अरे ड्रीम ब्रो यार ये बंदे पता क्या करते हैं, सुबह सो के उठते हैं और फिर इनका होता है कि चलो आज हम लोग ये इल्जाम स्मार्टी पेपर डाल देते हैं, वो इल्जाम स्मार्टी पेपर डाल देते हैं। अब बंदा इल्जाम लगा रहा है कि हीरोइन चोरी कर दिया मैंने इसका। पहले बात मेरे को ये बताओ कि मेरे ब्रो ये मेरा पूरा का पूरा जगह थी मेरी भाई, मेरा पर्ल चेम्बर है जो कि मैंने इमरजेंसी के लिए बनाया था, मेरी ये टाइम मशीन जिसका मैं बहुत ज्यादा काम कर सकता था, आज के दिन भी मैं यूज करने वाला था इसका, और ये गायब है मेरी जगह से और ये मेरे पे इल्जाम डाल रहे भाई, मेरे सीढ़ी तक चोरी करी भाई लोगों ने, लिटरली बोल रहा हूं। जाओ ऊपर जाओ जाओ निकल, नहीं 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 जा रहा भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं देखो भाई देखो खामा खा की बातें मत घुमाओ, सीधा मुद्दे की बात करो, मेरे को पता है बहुत लो, मैं आपको एक हिट में मार दूंगा, जल्दी बताओ मेरा हीरो ब्राइन किधर है। देखो भाई पहली बात तो ये कि मैं आपसे लड़ने तो नहीं आया हूं, ठीक है, ये धमकियां नहीं मारनी मेरे को इसीलिए। देखो दूसरी चीज, मैं जरूर लड़ सकता हूँ, मेरे को मेरा हीरो ब्राइन चाहिए बस। अरे मेरे देख लो स्मार्टी भाई, इस बंदे का हीरो ब्राइन चोरी हो गया भाई साहब, इस बंदे का हीरो मेरे को हंसी आ रही है, आई एम सॉरी, इस बात पे हंसना तो नहीं चाहिए बट ये बहुत ज्यादा फनी बात है। रुक जा, अरे भाई रुक जा। देखो मेरा दिमाग ना बहुत घुमा हुआ है सच में, इस वक्त मैं बिल्कुल भी आपसे मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, मैं सच में इस टाइम अगर मेरे को रेज कराना आपने मैं मार दूंगा, मेरे को चुपचाप प्लीज बता दो कि वो कहाँ है। मेरे को हंसी आ रही है, सॉरी यार भाई मेरे को हंसी आ रही है इस बात के लिए, यार हीरो ब्राइन चोरी हो गया, मुझे क्या पता कहाँ गया हीरो ब्राइन, मुझे क्या पता था। अरे मेरे को सब पता है, आप लोग साथ में मिले हुए हो, एसजीओ भाई फलाना जी विजर्ड सब लोग भाई ऐसा है, एसजीओ के साथ अभी पंगा करके आ रहा हूँ, और उस विजर्ड को आज पता है आज मैं कितने मेन मिशन पे गया था ड्रीम भाई, है इतना मेन मिशन पे गया था, वहां से आप मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट करवा दिया फालतू में, मुझे नो आइडिया कि मेरे साथ वाले जो बंदे हैं जो मेरे साथ काम करते हैं वो लोग इस वक्त कहाँ पे है, ये बंदे मेरे को यहाँ पे बुला दे भाई। आपका मिशन जाए अपने घर पे, पर मेरे को मेरा हीरो ब्राइन चाहिए, मैं इधर फालतू मैं कहां से लेकर आऊं हीरो ब्राइन, जब मैंने चोरी ही नहीं किया भाई, मैंने चोरी ही नहीं किया हीरो ब्राइन को, नहीं किया मैंने चोरी। फाइनल फाइनल बात है, अभी मैं कुछ और नहीं कहूंगा, मेरे को चुपचाप या तो पता बताओ या फिर अभी देख लो क्या सीन होने वाला है। अरे मुझे नहीं पता हीरो ब्राइन कहां पे है, मेरे को पता है आपको पता है, आप झूठ बोल रहे हो यार, मेरी एक्स बिल्कुल रुकी हुई है, एक क्लिक करना है और खत्म भाई। देखो ऐसा मेरे को नो आइडिया, आई स्वेयर मेरे को आपको पता है स्मार्टी भाई, देखो मर जाओगी, आपको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? कसम खा रहे ना भाई, मेरे को नहीं पता, मेरे को टच नहीं करना भाई, बंदा 7-8 खा रहा है मेरे, मैं आपको नहीं मारना चाहता हूँ सच में, पर आप बता दो मेरे को यार, नहीं तो मेरी एक्स चलेगी अब। यार मैं कैसे इसको यकीन दिलाऊं यहाँ पे भाई, मुझे
मैं कैसे गिन दिलाऊं आपको, मुझे बताओ जरा कैसे, हाउ? अगर आप सच कह रहे हो ना, अगर आप सच कह रहे हो तो अभी के अभी मेरे को सारा का सारा एसजीओ भाई फलाना जी विजिट अपने पूरी टीम का प्लान बताओ, सारे सारे प्लान बताओ अभी यहीं पे ही, तब मैं यकीन कर लूंगा। हमारी टीम, मैं, विजिट, एसजीओ, एसजीओ के साथ अभी पंगा करके आ रहा हूँ, विजिट के साथ भी पंगा करके आ रहा हूँ। एसजीओ ने मेरे को पता क्या धमकी मारी लास्ट में जाते आते, विजिट इसको पकड़ के रख, मैं अभी अपना पूरा आर्मर लेकर आता हूँ, अच्छे वाला आर्मर, और मैं इसको अभी यहाँ पे वन शॉट करता हूँ। आप दोनों बंदे मुझे वन शॉट कर सकते हो भाई, भाई, भाई पागल क्यों बना रहे हो भाई? मुझे नहीं पता भाई। मार्टी भाई देखो, अगर हीरो ब्राइन मेरे को बाद में मिल गया ना, और फिर उसने मुझे बता दिया सारी सच्चाई, तो फिर मैं नहीं छोड़ने वाला, सच में यार, आपका हीरो ब्राइन अगर गायब हुआ है ना तो वापस तो नहीं मिलेगा आपको, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना? अभी से मेरी गलती नहीं है भाई, अब आपका हीरो ब्राइन सॉरी नहीं मार भाई, मैं मरने वाला हूँ भाई। पहले ही नेगेटिव बातें कर रहे हो आप, मेरे को चुपचाप बता दो यार भाई, ठीक है आपको नहीं बताना ना, ओके मैं ये सारा को टीएनटी से ब्लास्ट कर रहा हूँ, मत बताओ। नहीं रुक जा भाई, मत मत, मत और मुझे एक्चुअली नहीं पता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ मैं, मुझे रुको, नहीं रुको, पता रुको। है ये लो आपको नहीं लग रहा ना आज, पता मजाक, अरे मैं सच, अब ऐसे लाइट अप कर दे टीएनटी को सच्ची में, अरे यार इस बंदे ने पूरी की पूरी टाइम मशीन तोड़ दी, क्या कर रहा है ड्रीम बॉय? मार्टी भाई मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, आप समझ नहीं रहे हो, अभी भी ये जितना बचा मैं सारा डिस्ट्रॉय कर दूंगा अभी। मार्टी भाई ये देखो, जिस तरीके से मैंने इसको डिस्ट्रॉय करा है ना, इसी तरीके से मैं इसको वापस भी ला सकता हूँ, सोच रहे हो आप? तो मेरे को चुपचाप से हीरो ब्राइन का पता बताओ, क्योंकि हीरो ब्राइन ही है जो ये वापस ला सकता है, अभी आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, अगर हीरो ब्राइन आ गया तो टाइम मशीन भी आ जाएगी आपकी वापस, समझ रहे हो? देखो एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाला मशीन हो जाएगा, आप अपनी टाइम मशीन लेके निकलना, मैं हीरो ब्राइन लेके निकलूंगा। अरे मुझे नहीं पता भाई, मैं कहां से लेकर आपके हीरो ब्राइन को, कहां? 1 2 3 यस यस, मेरे को लगी रात, मैंने सोच दिया था, मैं कहा भाई इस बंदे ने अपने हाथ में मैप लिया होगा या फिर नहीं लिया होगा, बट थैंक गॉड मैंने कहा इस बंदे को ना, तुम लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इस ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, मैप वाली, मैप दिखाई अपने हाथ में, ये वाला जो मैप है ये एक्चुअली गाइस मेरी स्क्रीन पे सेट किया हुआ है इस वक्त, किसने? उस बंदे ने, वो जो दाढ़ी वाला बंदा था, ठीक है ना? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की स्क्रीन में क्या चल रहा है, एक दूसरे की नजरों से क्या दिख रहा है, हम लोग वो चीज देख सकते हैं। और ये बंदा जैसे ही मैं टेलीपोर्ट किया ड्रीम बॉय ने, मुझे पता था ये जो बंदा है हमारा होगा लाला का क्लोन, ये 100% मेरे को इस मैप में देख रहा होगा, जब मैं हवा में देखकर 1 2 3 करता हूं तो ये हमारा कोड होता है एक्टिवेट करने का फॉल चेंबर का। गाइस तुम लोग को याद होगा मैंने इससे पहले तुम लोग को कुछ बोला था, अरे अभी हम लोग यहाँ पे उससे फाइट करने के लिए जा रहे हैं भाई, क्या नाम है अपने विजर्ड से, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं, उसके लिए गाइस मेरे को एक बहुत ही तगड़े वाली तैयारी करनी पड़ेगी, एंड अभी मैं वो चीज करने वाला हूँ, मैं तुम लोगों को वो चीज दिखाऊंगा तभी अगर उसकी जरूरत पड़ेगी, वरना मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और अगर तो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया पर्ल चेंबर, इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, एंड तुम लोग अगर इस क्लिप को देख रहे हो तो तभी देख रहे हो जब इमरजेंसी में हम लोग इसका ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। चल भाई अब यहाँ से, एंड गाइस ये थी मेरी वो इमरजेंसी वाली चीज, यस ये वाला पर्ल चेंबर, पर्ल चेंबर बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज टू बी ऑनेस्ट। एंड अब मेरे को और होला वाले कलोन को यहाँ पर एक और पर्ल चेंबर बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बहुत ही तगड़े वाला। एंड गाइस अभी हम लोगों ने एक चीज यहाँ पर पता चल चुकी है, ड्रीम बॉय के पास से हीरो ब्राइन गायब हो चुका है भाई, तुम लोग समझो कितनी खुशी की बात है। एंड इस वक्त जो ड्रीम बॉय है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, हालांकि उसके पास अभी भी पावर है बहुत ज्यादा, तुम लोगों ने देखा मेरे पास इतना तगड़ा आर्मर है, स्टिल उस बंदे ने मुझे एक शॉट में मेरे 7 हार्ट्स खाए, तुम लोग समझ जाओ कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है इस वक्त, उतने ओवर पावर तो हम भी बन जाएंगे भाई, तगड़ा सा आर्मर और तगड़ी सी नेदरराइट की स्वॉर्ड हम लोग लेकर आ सकते हैं, तुम लोगों को भी ये चीज पता है।